अपने रिश्ते को, संबंध को, अपने पार्टनर को, अपने लव को, अपने रिश्ते के उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपना बनाए रखने के लिए ये वस्तु अपने घर में जरूर रखे। हाँ, मैं बात सेंधा नमक की कर रहा हूँ, बस वो ढंग पता होना चाहिए कहाँ रखना और कैसे रखना। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है, लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है और लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जिताया जाता है। शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान, रिश्ता किसी भी स्तर पर खराब हुआ हो उसे ठीक करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी पूरी प्रमाणिकता के साथ करती है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है, ये निरंतर जारी है। इस परिवार में वही लोग जुड़ रहे हैं जिन्हें प्रेम की आवश्यकता है। ना तो यहाँ गाने सुनाए जाते हैं, ना ही तो यहाँ फिल्मों की बातें होती हैं और ना ही जनरल नॉलेज दिया जाता है। यहाँ सिर्फ एक ही विषय पर बात होती है, वो है रिश्ता, संबंध, प्यार, शादी, विवाह, बस इसके अलावा कोई बात नहीं होती। हड्डियों की समस्या के लिए हार्ट के डॉक्टर के पास क्यों जाना, नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास क्यों अपनी उंगली का ऑपरेशन कराने जाना। जो उंगली का ऑपरेशन कर सकता है उसे अपना दिल का ऑपरेशन क्यों करवाना। जो हड्डियों का डॉक्टर है उसे आंख क्यों दिखाना। इसीलिए सावधान कर रहा हूं, किसी भी ज्योतिषी के चक्कर में मत पड़ना, ये विषय पूरा भिन्न है, बिल्कुल अलग है। किसी भी मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक जो दिखते नहीं, जो बात नहीं करते, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, उनके चक्कर में पड़ के सब खराब मत कर लेना, वरना क्या होगा, लाइफ में सिर्फ चिंतन बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सावधान, सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। यहां क्योंकि 4000 लोग शिक्षित और पढ़े लिखे लोग, नॉलेजवान, रिसर्च कर रहे हैं गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथों पर, उन ग्रंथों को जो सामान्य व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता, वहां से निचोड़कर अंदर की बात का रिसर्च करके इस ढंग से तुम्हें बताया जाता है कि तुम रोजमर्रा की लाइफ में चलते फिरते वो उपाय कर सको और सब ठीक कर लो। आज का उपाय बिल्कुल उसी प्रकार का है। आज की बात वैसी ही है। आज हम कह रहे हैं कि ये वस्तु अपने पास जरूर रखा करो, अपने घर में ये वस्तु रखा करिए, अपने घर में इस वस्तु का प्रयोग कीजिए ताकि आपका जीवन खुशहाल हो जाए। जान लीजिए कि वो कौन सी वस्तु है जिससे चमत्कार होता है, जान लीजिए वो कौन सी चीज है जिससे अल्ट्रासाउंड हो जाता है, एक्सरे हो जाता है प्यार का, जान लीजिए वो चीज कि कैसे आप अपनी चीजों को बेहतर बना सकते हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, सेंधा नमक विश्व का सबसे ज्यादा चमत्कारी नमक है, जिसे आप पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। पिंक सॉल्ट विश्व का सबसे चमत्कारी है, चाहे वास्तु की दृष्टि से देखा जाए, चाहे एनर्जी की दृष्टि से देखा जाए, चाहे हीलिंग की दृष्टि से देखा जाए, चाहे ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, ऐसा विश्व की कोई युति युक्ति नहीं है जिसमें पिंक सॉल्ट यूज नहीं होता हो। पिंक सॉल्ट इतना चमत्कारी, इतना पावरफुल है कि इसकी शक्ति देखते ही बनती है। आप कभी भी एक ग्लास में कांच के पानी भर के एक चुटकी पिंक सॉल्ट डाल करके अपने ही कमरे के साउथ दिशा में रख दीजिए, अगर आपके घर में कोई तकलीफ है तो ग्लास का रंग रूप सब चेंज हो जाएगा, सभी उठ के देख लीजिएगा, और बिल्कुल साफ सुथरा, अच्छा बना रहे, बिल्कुल चकाचक सब दिखे सुबह, तो आप समझिएगा सब ठीक है। ये एक्सरे है आपके घर का। इस प्रकार से हम लोग घरों को चेक करते हैं। आज उसी पिंक सॉल्ट का चमत्कार आपके प्यार के लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपके संबंध के लिए बता रहा हूं। सीधा उधर क्यों लेकर के चलेंगे, आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा प्यार मुझे फिर से वापस मिल गया है और उन्होंने मुझसे बात भी की अच्छे से और वो मिलने भी आए थे हमसे और शादी के लिए भी उन्होंने कहा है कि पापा को भेजिएगा हमारे घर। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। आप सबकी इन्हीं सब बातों की वजह से साथ में काम करता हूँ।
मैंने एक छोटा सा वृक्ष लगाया था, एक छोटा सा पौधा, आज वो बड़ा सा वटवृक्ष बन गया है। ये धन्यवाद सुनते सुनते आपको पता है रोज में एक धन्यवाद क्यों चलाता हूं? ये जहां तुम्हें प्रेरणा देता है वहां मुझे भी सुकून महसूस कराता है, मुझे और ज्यादा काम करने के लिए बाध्य करती हैं ये चीजें, मुझे और ज्यादा रिसर्च करके और ज्यादा आपको पावर देने की ताकत और बल प्रदान करती हैं ये चीजें। इन्हीं सब चीजों पर काम कर रहा हूं। वैसे बड़ा धन्यवाद आपका श्रद्धा विश्वास कर आगे बढ़ करके सबके सामने आने तक के लिए। क्लास में स्टूडेंट फर्स्ट आता है और उसका उसकी वाहवाही टीचर को मिलती है, बस वैसा ही हूं मैं। बहुत धन्यवाद। अब सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। आप जिस रूम में सोते हैं उस रूम में जो आपका बेड है उसके ध्यान समझिए, उसके ठीक राइट साइड में आपको एक बड़े बॉल में पिंक सॉल्ट रखना चाहिए, कम से कम 2 किलो, कम से कम बता रहा हूं, बड़े पीसेस में। इसमें अगर सच में बहुत दिक्कतें हैं तो कुछ भाग फटकरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि दोनों रखने से सीलन बढ़ेगी और थोड़े थोड़े दिनों में ये खराब होता रहेगा तो इसको चेंज करते रहे। लेकिन अगर इसका ज्यादा प्रभाव देखना चाहते हैं, ज्यादा ताकत चाहते हैं, तो पान के पत्ते में अपने पार्टनर का नाम एक सीख से लिखिएगा, उसे नीचे बिछाइए, फिर ये सब रखिएगा। हर बार ऐसा करिए, बार बार। जैसे ही वो पिघलने लगे, खराब होने लगे, तो उसको यहां वहां नहीं, अब कोशिश करिएगा उसको कूट पीट करके, पतला करके उसे आप बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो घर की गंदगी है उससे भी विशुद्धता मिलेगी। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना, ये रेगुलर भी किया जा सकता है। इसमें बड़ा बल है, बहुत ताकत है। जितनी साधारण तरीके से हमने बताया है ये उतना साधारण नहीं है, पर मन से करना। श्रद्धा विश्वास रखने की जरूरत तो है ही, इस युति को बस समझना बहुत आवश्यक है। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। पानी क्यों बोलता हूं पता है ना? पानी झूठा करने से जल देवता है और तुम्हारे अंदर की प्रकृति में बड़ा परिवर्तन होता है, इस पर कई बार हमने बताया है। इसलिए प्रीवियस लाइफ मत बताना, ये भी मैंने बताया है क्यों नहीं बताना चाहिए। अपना कार्मिक अकाउंट ठीक रखना चाहिए, इस पर भी बोला है। कार्मिक अकाउंट होता क्या है इस पर भी बोला है। कुछ नीचे लिंक्स भी दिए हैं वीडियोस के, जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी सारा समझ आएगा। अपना ख्याल रखो सत्यम, मैं तुम्हारा, तुम्हारे रिश्ते का, तुम्हारे संबंधों का, सब चीजों का ध्यान रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।